हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR मेडिकल में। आज हम बात करेंगे लुली फोर्ड जेल के बारे में। दोस्तों, लुली कोनाजोल इसके अंदर कंटेन है और ये लीफोर्ड कंपनी का ब्रांड है और ये जो बहुत ही ज़्यादा एंटी फंगल और खुजली के अंदर इस्तेमाल होने वाला क्रीम है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल का आइकॉन दिया गया है उसको प्रेस कर ले ताकि आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियो से फ़ायदा हासिल करते रहे। दोस्तों, मैं आपको इसमें बात बता देना चाहता हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इसी तरह की बीमारी है स्किन से रिलेटेड तो हमें कमेंट करें और हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे या फिर कॉल नंबर फ़ोन नंबर देंगे जिससे आप हमें कांटेक्ट करके मेडिसिन बुलवा सकते हैं। हम मेडिसिन देते हैं डॉक्टर की सलाह के बाद, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर है मार्केट इसमें, तो वो हम आपको हमारे हॉस्पिटल के अंदर, माँ हॉस्पिटल हमारे हॉस्पिटल का नाम है, तो वहाँ से हम आपको मेडिसिन के बारे में नॉलेज देते रहते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे लुली फोर्ड क्रीम के बारे में जो लुली कोनाजोल कंटेन कर रखता है। तो दोस्तों, हम डायरेक्टली बात करेंगे लुली कोनाजोल और क्रीम के बारे में, लुली कोनाजोल कंटेन के बारे में, क्योंकि लुली कोनाजोल ही मेन कंटेन है उसके अंदर और लुली फोर्ड तो उसका ब्रांड है। तो लुली कोनाजोल जो इस्तेमाल होता है वो एक एंटीबायोटिक है जो एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो फंगल यानी कि जहाँ पर फंगस ग्रोथ होती है, ज़्यादातर हमने देखा है कि प्राइवेट पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। कैंडिडीज उनका नाम है, फंगडी बोल के अलग अलग उसके बहुत सारे प्रोडक्ट के नाम है। तो जो ये ग्रोथ होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और उसको फंगल को स्पेशली खाने के लिए ये जगह बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए वो पैरासाइटिक तौर पे पैरासाइटिक इन्फेक्शन फैलाने के लिए वहाँ पर बैठ जाती है और उसको वहाँ पर धीरे धीरे खाने लगती है। और जब वो खाती है तो हमें इचिंग होती है और हम उसको खुजाते हैं, तो हाथों से लगकर हम फिर वो हाथ किधर भी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी लग जाने की वजह से वो वहाँ पर भी ग्रोथ होना शुरू होती है, क्योंकि कुछ हम फंगल वहाँ से उठाकर दूसरी तरफ फैलाते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी के ऊपर ये फंगल ग्रोथ होना शुरू होती है। अब हम ये तो देख लिए कि ये फंगल को ट्रीट करता है, तो इसको इस्तेमाल कैसा किया जाए। पहले लगाने से पहले इसके हाथ धो लें और फिर उसके बाद उसको लगा लें, फिर उसके बाद हम हाथ धो लें ताकि आपको फंगल का मज़ीद इन्फेक्शन ना हो। इस तरह से दोस्तों ये हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल के आइकन को भी दबा दें और कमेंट में हमें ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा पसंद।